अब हम सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे किसी न किसी एटम से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन एटम्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी चलती रहती है, ये जानने में साइंटिस्ट को सैकड़ों साल लग गए, है ना। इसके पहले कई सारे मॉडल्स दिए गए जिसमें से कुछ चीजें सही थी कुछ चीजें गलत थी, जैसे डाल्टन मॉडल आया, थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर फाइनली जो है बोर मॉडल आया, है ना। तो इसमें कई सारे मॉडल ऐसे थे जिसमें कुछ बातें सही भी थी और कुछ कही गई बातें गलत भी थी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही कुछ मॉडल्स के बारे में सीखेंगे कि जब शुरू शुरू में इस थ्योरी का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब डेवलपमेंट हुआ तो लोगों ने क्या क्या चीजें बताई, क्या चीजें सही बताई, क्या चीजें गलत बताई, ये हमें अभी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डाल्टन के एटॉमिक मॉडल से। डाल्टन ने बताया कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और वो जो छोटे से पार्टिकल होते हैं उसको इसने नाम दिया एटम, है ना। कहा ऑल द मटेरियल्स, ऑल द मटेरियल्स आर मेड ऑफ इनडिविजिबल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, है ना। इंडिविजुअल का मतलब ये हुआ कि हम लोग एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। टाइनी का मतलब हुआ कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें बताई कि एटम क्या है, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है और उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। अब इसमें काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, हमें पता है कि अब उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब हम लोग जानते हैं, लेकिन पहले ऐसा कोई थ्योरी नहीं था, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट बताया कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, है ना, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक जैसी होती है, जबकि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, है ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल वाइल प्रॉपर्टीज का मतलब यहां पर फिर से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समझना है, वाइल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, है ना। जैसे मैं कहूं कि अगर हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, लेकिन एक हाइड्रोजन का एटम लेंगे एक ऑक्सीजन का एटम लेंगे, दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी जो होगी दोनों की वो डिफरेंट होगी, है ना। हाइड्रोजन का एटम्स का मतलब हो गया एक जैसे एटम्स हो गए, और एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो गए, तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफर कर जाती है। तीसरा जो पॉइंट बताया डाल्टन ने वो ये बताया कि जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बने होते हैं, है ना। ऑल द एटम्स आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। ये कहा कि मास ऑफ हेवीएस्ट एटम इज 250 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ हेवीएस्ट एटम इज 10 टाइम्स द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। जबकि ये थ्योरी गलत साबित हुई एक्चुअली में। सारे एटम्स जो है हाइड्रोजन से मिलकर बने नहीं होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने जो भी मॉडल दिया था उसमें कुछ चीजें सही थी, कुछ चीजें गलत थी। तो ये पॉइंट भी गलत साबित हुआ। बी वाला जो पॉइंट है वो सही था, ए वाला पॉइंट भी उसमें गलती थी। एक और पॉइंट बताया कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्जेज होते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज, सो ऑल द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो ये चार पॉइंट से हम लोग डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को समझ सकते हैं। ठीक, इसके बाद आया थॉमसन का प्लम्स पुडिंग मॉडल। प्लम्स पुडिंग मॉडल क्या है एक्चुअली में? एक ये स्वीट होता है पुडिंग, है ना। पुडिंग एक स्वीट होता है, जैसे केक होता है, उसके अंदर प्लम्स जो है, जैसे अपने यहां तरबूज होता है, है ना। तो तरबूज को समझ सकते हैं कि पुडिंग हो गया, और प्लम्स का मतलब हो गया जैसे तरबूज के बीज होते हैं बीच बीच में, कुछ उसी टाइप का। तो उसी टाइप का मॉडल जो है थॉमसन ने बताया। इसने पहले ये बताया कि जो एटम है एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज का एक स्फेयर है, है ना। एटम इज स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उसने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, लेकिन निगेटिव चार्ज भी इसके अंदर होता है, वो कहीं कहीं बीच में रहता है, जैसे कि पुडिंग के अंदर प्लम्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in entire volume of the sphere। चूंकि एटम क्या है, एक स्फेयर है, तो स्फेयर का जो टोटल वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। और जो तीसरा पॉइंट बताया वो ये बताया कि जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में कहीं कहीं दाने जैसा ये पड़ा होता है। निगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इनसाइड द स्फीयर जस्ट लाइक प्लम्स इन पुडिंग। ठीक, तो जैसा मैंने बताया कि पुडिंग क्या है, एक स्वीट होता है केक जैसा, और उसके अंदर दाने जैसे प्लम्स जो है वो डाले गए होते हैं। ठीक है, इसको बेटर समझने के लिए हम लोग जो है, क्योंकि तरबूज सब हम सब ने देखा है, तो तरबूज से इसको रिलेट कर सकते हैं। तरबूज में जो रेड वाला पार्ट होता है समझे कि वो पॉजिटिव चार्ज है पूरा, और बीच बीच में जो तरबूज के दाने होते हैं वो समझे कि निगेटिव चार्ज, जैसा यहां पर फिगर में मैंने दिखाया है। ये जो पूरा स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का है, मतलब जहां भी आपको गैप दिख रहा है सारा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो छोटे छोटे गोल गोल मैंने बनाए ये निगेटिव चार्ज है, छोटे छोटे दाने जैसे। ठीक, और जो फोर्थ पॉइंट बताया इसने कि इसमें भी चूंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों मिलकर के बराबर होते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज
in the atom is equal to total negative charge in the atom. मतलब इसने भी कहा कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. वैसे तो ये सारी थ्योरीज आपने पहले पढ़ी होगी है ना, लेकिन फिर भी एक बार देखते चलते हैं कि ये जो थ्योरीज हैं वो कैसी होती हैं. कई बार जो है हमें सारी चीजें याद नहीं रहती, इसमें से कुछ मेन पॉइंट तो हम लोग को याद रहता है, हर पॉइंट ध्यान नहीं रहता है ना. कहीं कहीं पर ये छोटी चीजें हो सकता है कहीं पूछी जाए, इसलिए एक बार इसको रिवाइज करना अच्छा रहता है. एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एटम्स की थ्योरी है उसमें सबसे पहले थ्योरी आई थी डाल्टन की. डाल्टन की थ्योरी आई, फिर उसके बाद थॉमसन का प्लम स्पोडिंग मॉडल आया. ये दोनों थ्योरीज थी वो बहुत ही डिफरेंट थी जो एक्चुअल में जो केस होता है एटम का, है ना. तो ये दोनों थ्योरी के बाद जो तीसरा आया था थ्योरी, जो मॉडल आया था वो आया था रदरफोर्ड का मॉडल. रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और गोल्ड फॉयल के साथ में उसने क्या करवाया, गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया, है ना. तो देखा यह गया कि जो अल्फा पार्टिकल ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ में भेजे गए थे वो उस फॉयल के साथ में जब टकराते हैं, ये टकराते नहीं है इनफैक्ट रास्ते से रिटर्न हो जाते हैं, है ना, और कुछ जो है वो डेविएट हो जाते हैं. जैसा देखेंगे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये अल्फा पार्टिकल्स जो है इधर से जा रहे हैं और यहाँ पर टारगेट गोल्ड फॉयल न्यूक्लियस है ना, यहाँ पर गोल्ड फॉयल होगा. तो कुछ अल्फा पार्टिकल गए वो सीधे वापस रिटर्न हो गए, कुछ गए तो ये डेविएट हो गए, है ना. अब जैसे जैसे इस न्यूक्लियस से दूर वाले जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, जैसे ये गया है ना, तो ये गया तो ये ऐसे डेविएट हुआ, फिर एक और गया है ना, तो ये जो है ये थोड़ा कम डेविएट हुआ, और दूर वाला गया ये सीधा निकल गया कुछ ऐसे, क्योंकि ये इससे काफी दूर था. तो एक्चुअली में इससे क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने, कंक्लूजन ये निकाला कि अल्फा पार्टिकल जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो गोल्ड फॉयल है उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है जो इन अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल करता है और रिपल्शन की वजह से या तो ये रिटर्न हो जाते हैं या डेविएट हो जाते हैं. ठीक, तो उससे कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड ने कि जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक जगह कहीं कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जिसको उसने कहा कि ये न्यूक्लियस है ना. और ये कहा कि जो निगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड स्टेबल ऑर्बिट में घूमता रहता है ना. मैंने इसको थ्योरी को यहां लिखा है, कहा था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंट्रल कोर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस फॉर विच नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, है ना. चूंकि ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो निगेटिव चार्ज होते हैं, वो उस कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज के अराउंड या न्यूक्लियस के अराउंड वो घूमते रहते हैं. जब घूमते होंगे सर्किल में, सर्कुलर मोशन करते होंगे, तो उनके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है. सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, तो वो फोर्स कहाँ से आता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया जो कि न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स वही सेंट्रिपिटल फोर्स देता है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया. ठीक, फिर कहा कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेबल ऑर्बिट्स जस्ट लाइक प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, है ना. रदरफोर्ड ने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमता रहता है ना, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है जिस तरह से जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, अर्थ रिवॉल्व करता है ना, मार्स रिवॉल्व करता है, उसी तरह से कहा कि इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते रहते हैं. लेकिन जो ग्रेविटेशन की जो थ्योरी है और ये जो एटम की जो थ्योरी है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है
है ना। ग्रेविटेशन में तो चार्ज नहीं होता, मास होता है, जबकि यहाँ पर एटम के अंदर ये दो चार्ज हैं, एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्टेनली इसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। और हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कि जब एक्सेलरेटेड चार्ज होता है तो वह एनर्जी को रेडिएट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा होगा एक्सेलरेटेड है तो वो एनर्जी को बार बार रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो वो स्टेबल ऑर्बिट में नहीं रह सकता, वो एक ही ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, उसकी एनर्जी घटेगी तो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, यानी उसका जो रेडियस है छोटा होता जाएगा, छोटा होते होते वो जो है न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, तो स्टेबल ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा। और इस तरह से ये जो थ्योरी है ये वहां पर फेल हो जाती थी, क्योंकि जो अगर लॉजिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से स्टेबल ऑर्बिट में जो है ये इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता जैसे कि प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आया बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल ने सही तरीके से एक्सप्लेन किया, इसने ये कहा कि स्टेबल ऑर्बिट में घूमते तो हैं लेकिन कुछ फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्बिट हम लेंगे वो स्टेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ फिक्स्ड जो है वो एनर्जी वाले ऑर्बिट होते हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो बोर्स के जो है तीन पोस्टुलेट्स है, इसमें उन्होंने पूरी जो है एटॉमिक थ्योरी को समझाया। जैसे कि पहला पोस्टुलेट है, इसमें कहा एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, है ना, मतलब कुछ फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट ही होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्बिट है वो स्टेबल होगा, ऐसा नहीं, कुछ फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है, उसी में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। वो फिक्स्ड ऑर्बिट के बारे में भी बताया, क्या बताया, सेकेंड पोस्टुलेट बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, है ना, यह ध्यान देने वाला बात है, ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई, है ना, एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं mvr, है ना, mvr, ये जो है h बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, h बाई टू पाई ये है और n जो है एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये h बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल वाला जो एंगुलर मोमेंटम जिस ऑर्बिट में हो सकता है उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, बाकी किसी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा पोस्टुलेट था। और तीसरा पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट कर सकता है, कैसे करेगा वो बताया, इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी बाय रेडिएटिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, है ना, मैं इस पॉइंट को समझाता हूं। ये कहता है कि जैसे कुछ फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना, तो जैसे इसकी एनर्जी मैं मान लेता हूं कि E1 है, या ये मान लेते हैं कि ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड कैसे कहेंगे, क्योंकि इसके h बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा मोमेंटम, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसके बीच में कोई ऑर्बिट लेंगे तो उसमें एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई का मल्टीपल नहीं आता है और इसलिए वैसे ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, इसलिए हमने चूंकि इंटीग्रल मल्टीपल कह दिया मतलब हमने ऑर्बिट्स को स्पेसिफाई कर दिया है। अब ये स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स हैं और ये नॉन रेडिएटिंग है, नॉन रेडिएटिंग का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होगा घूम रहा होगा तो उसकी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, उसकी एनर्जी घटेगी नहीं, बढ़ेगी भी नहीं, लेकिन वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जा सकता है। अगर यहां से यहां जाना हो, लोअर एनर्जी स्टेट में जाना हो, तो वो एक फोटोन को रेडिएट करेगा। फोटोन क्या होता है, एनर्जी होता है ना, एनर्जी का पैकेट होता है। तो जैसे E3 से E1 में जाना हो तो यहां से यहां का जो एनर्जी डिफरेंस होगा E3 - E1, इतनी एनर्जी का एक फोटोन रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी घट जाएगी, E3 से इतना घटेगी तो E1 के बराबर हो जाएगी और फिर इसमें आकर के वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमने लगेगा। तो इस तरह से बोर ने बताया कि
इलेक्ट्रॉन वैसे तो स्टेबल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, लेकिन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं अगर वो फोटोन को रेडिएट करें तो। उसी तरह से अगर इसको लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल में जाना हो तो जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कोई फोटोन एब्जर्व करना पड़ेगा। कोई फोटोन आएगा अपनी एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन को देगा, और उसके पास जैसे E1 में अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको इतनी एनर्जी का फोटोन मिल गया तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये जंप करके इस एनर्जी लेवल में जा सकता है ना। तो ये होता है बोर्स के जो 3 पोस्टुलेट्स हैं, ये हो गए। इसके आगे हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमते हैं उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। अब हम लोग 2 ऐसे एग्जांपल करेंगे जो कि एनसीईआरटी में 16 एग्जांपल के फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे कि ये पहला एग्जांपल है, रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड है। कहा गया है, इन रदरफोर्ड मॉडल न्यूक्लियस हैविंग रेडियस 10^-15 मीटर मीन्स 1 फर्मी इज एनालोगस टू सन अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 10^-10 मीटर। कहने का मतलब यह है कि एक न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का जो रेडियस है यह है 10^-15 मीटर, यह न्यूक्लियस का रेडियस दिया गया है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का जो रेडियस है वो दिया गया है 10^-10 मीटर। ये कहा गया कि जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरह से घूमता है जिस तरह से सन के अराउंड अर्थ घूमता है या प्लैनेट्स घूमते हैं। आगे कहा गया है, मूव इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 10^-10 मीटर लाइक अर्थ ऑर्बिट्स सन। अर्थ जैसे सन के अराउंड घूमता है वैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। इफ द डायमेंशन ऑफ द सोलर सिस्टम हैज द सेम प्रोपोर्शन एज दोज ऑफ एटम, मतलब सोलर सिस्टम में क्या होता है, अंदर एक सन है ना, और उसके अराउंड अर्थ जो है ये रिवॉल्व करती है। तो कहा गया है, वुड द अर्थ बी क्लोजर और फार्दर फ्रॉम सन देन एक्चुअली इट इज इफ रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज 1.5, अर्थ ऑर्बिट इज 1.5 × 10^11 मीटर, रेडियस ऑफ सन इज 10^8। रेडियस ऑफ सन ये दिया गया है 7 × 10^8, और ये जो अर्थ का ऑर्बिट है ना सन के अराउंड, इस ऑर्बिट का रेडियस हमें पहले फाइंड करना है। अगर ये रेडियस, ये जो गिवन डिस्टेंस, ये एक्चुअल डिस्टेंस दिया हुआ है ना, अगर इससे ये ज्यादा आएगा, इसका मतलब अगर इस हिसाब से अर्थ मूव कर रही होगी तो सन से दूर हो जाएगी, और अगर ये आर का वैल्यू इससे कम आया तो सन के पास में हो जाएगी। तो ये कहा गया है कि जो डायमेंशन है वो सेम प्रोपोर्शन में, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर हम लोग कहेंगे कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, वैसे यहां पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है आर डिवाइडेड बाई, जैसे यहां न्यूक्लियस था वैसे यहां पर सन है ना, तो यहां रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लिया था, यहां पर रेडियस ऑफ हम लोग सन लेंगे, ये सेम रेशियो में होना चाहिए जैसा कि यहां कहा गया है। तो आर नॉट है रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो कि 10^-10 है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है 10^-15 मीटर। ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमें पता करना है सोलर सिस्टम का, और रेडियस ऑफ सन दिया गया है 7 × 10^8। तो यहां से देखेंगे कि आर का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 7 × 10^13 मीटर, ठीक है, जबकि एक्चुअल ऑर्बिट कितना दिया हुआ है 1.5 × 10^11। तो यहां पर 10^11 है और यहां पर 10^13 है, तो ये रेडियस ज्यादा आ रहा है। तो अगर इसी प्रोपोर्शन में सन का या सोलर सिस्टम होता तो उस हिसाब से अर्थ जो है सन से ज्यादा दूर होती है ना, तो यही हमें यहां पर बताना था कि दूर होती या पास होती, तो यहां पर कर सकते हैं कि सन से अर्थ ज्यादा दूर होती, ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है, एक गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट होता है उससे रिलेटेड है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है कि जैसे कोई, यही जो हमने पढ़ते हैं रदरफोर्ड वाला अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट का, वही एक्सपेरिमेंट एक तरह से।
तो उसमें क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस है गोल्ड फॉइल का, अल्फा पार्टिकल को भेजते हैं तो रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि जब हम किसी काइनेटिक एनर्जी से इसको भेजते हैं तो रिपल्शन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी घटने लगती है। घटते घटते एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये जो अल्फा पार्टिकल है वो रुक जाता है ना, बिल्कुल न्यूक्लियस के लाइन में, लाइन ज्वाइनिंग के लोग अगर वेलोसिटी देंगे तब ये जाकर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जाकर के ये रुकेगा, है ना, और वहां रुकने के बाद ये वापस लौट जाएगा। तो जब जहां पर रुकेगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी इसकी तो जीरो हो जाएगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वहां पर बची रहेगी, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्चुअली में कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी को लॉस कराता नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी जो है सिस्टम की लॉस नहीं होगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। तो यही केस है यहां पर, कहा गया है व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच टू द न्यूक्लियस, टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली एट रेस्ट एंड रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन, है ना। जैसे कि यहां पर ये न्यूक्लियस है गोल्ड फॉइल का और जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को यहां से इधर भेजा गया है ना, इस तरह से ये गया। तो जो गोल्ड फॉइल होता है उसका एटॉमिक नंबर जेड, जेड की वैल्यू होती है 79। अल्फा पार्टिकल को इस काइनेटिक एनर्जी के साथ में यहां से भेजा गया है, तो यहां पर कुछ आगे जाके ये इन्फिनिटी से भेजा गया, इसको काफी दूर से भेजा गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जा करके यहां पर अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा, यहां पर इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी, यहां पर ये रेस्ट पर आएगा तो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो यहां पर रुकेगा इसके बाद वापस लौट जाएगा। तो ये जो सेपरेशन है न्यूक्लियस और इसके बीच का, ये जो है ये मिनिमम सेपरेशन होगा इनके बीच में। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल के पास क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है तो इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी है, और जब यहां पर जाएगा तो केवल पोटेंशियल एनर्जी बचेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, Q1 Q2 चार्ज है बीच में सेपरेशन आर है, तो लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। इसी फॉर्मूले को मैं यहां पर यूज करूंगा, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है 2e और इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज Z(E) डिवाइडेड बाई आर मिनिमम, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहां पर ये दिया गया है 7.7 × 10⁶ क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो ऐसे रखेंगे इसको, इंटू 1.6 × 10⁻⁶ या ऐसे मैं लिख देता हूं × e, है ना, e को लिख देते हैं 1.6 × 10⁻⁹, इतना ये जूल में आ जाएगा। और ये हो गया 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये हो गया 2 × जेड का वैल्यू है 79 और ये ई स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर मतलब 1.6 × 10⁻⁹ का होल स्क्वायर। तो यहां से एक और यहां से एक कैंसिल कर सकते हैं डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, है ना। तो आर मिनिमम की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 30 × 10⁻⁵ मीटर, या इसको 30 फर्मी कह सकते हैं, ठीक है, 30 फर्मी। तो ये जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का वैल्यू आया 30 फर्मी।